तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मेरा नाम दीपक और आपका स्वागत है टेक्नोर की एक और प्रोफेसर कमाल की वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ एक एक्सपेरिमेंट टाइप के करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो एक वाटर पंप होता है, जो दोस्तों मतलब एयर पंप होता है, तो दोस्तों इसमें हम आज पानी वगैरह डाल के देखेंगे क्या ये मतलब एयर पंप जो मार्केट में 70-80 रुपये का मिलता है आराम से, उसको हम वाटर पंप पर कन्वर्ट कर सकते हैं नहीं। तो दोस्तों, मुझे भी नहीं पता इसका क्या रिजल्ट आने वाला है। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, जो होगा आपके सामने होगा। और दोस्तों, वीडियो में बने रहिए ताकि आपको पता चले कि हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर नहीं, क्या ये एक्सपेरिमेंट टाइप का कुछ है जो सक्सेसफुल होगा या नहीं। तो वीडियो में बने रहिए, सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, आपके भी मन में कोई ऐसी उटपटांग से आइडियाज आते रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसको आपको करके दिखा दूंगा। मतलब उस आइडिया को आपको सामने वीडियो में कन्वर्ट करके दिखा दूंगा उससे क्या रिजल्ट आता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करके सब्सक्राइब कर ले चैनल को। और दोस्तों, चलिए वीडियो को करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, चलिए दोस्तों, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये है एयर पंप। दोस्तों, मार्केट में आराम 60-70 रुपये की मिल जाती है। और दोस्तों, इसके आगे एक ट्यूब लगी जिससे हवा निकलती है। और दोस्तों, ये पीपी वगैरह नापने की मशीन होती है, उनमें भी यही लगा होता है। तो दोस्तों, मैंने इसको पहले एक बार वाटर में टेस्ट करके देखा था। तो दोस्तों, आप देख सकते हो, मैं इसको इस वाटर में टेस्ट करके पहले आपको दिखा देता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं, फिर बाद में कमेंट आएंगे कि ये खराब है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, जैसे ही मैं वायर टच करता हूँ, इसमें से बबल्स निकल रहे हैं, मतलब इसमें से हवा निकल रही है, मतलब ये काम कर रहा है। तो दोस्तों, आप इसकी मतलब थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके देखेंगे क्या इसमें से जो पानी है वो भी निकलता है या फिर ये नहीं कर पाता काम। तो वीडियो में बने रहिए, सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो, अब बबल्स तो बहुत ज़्यादा निकाल रहा है, मतलब जिस हिसाब की मोटर उस हिसाब से निकाल रहा है। और दोस्तों, ठीक ठाक से बबल आ रहे हैं, मतलब एयर तो आ रहा है इसमें से। दोस्तों, एयर प्रेशर जो ये बना रहा है। और दोस्तों, अब चेक करते हैं कि क्या ये वाटर प्रेशर बनाता है नहीं। तो दोस्तों, उसके लिए हमें इसके नट वगैरह खोलने पड़ेंगे, हल्का बहुत इसको मॉडिफाई वगैरह करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, चलिए वीडियो करते हैं शुरू, मतलब स्टार्ट करते हैं इसको, नट वट खोल खाल के इसकी मॉडिफिकेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को मैंने कर दिया फास्ट ताकि आपका टाइम बचे। दोस्तों, मैं आपका इतना ध्यान रख रहा हूँ, दोस्तों आप भी मेरा थोड़ा बहुत ध्यान रखिए। और दोस्तों, वीडियो कर दीजिए लाइक। तो अंदर से दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इसमें सिस्टम, हल्का बहुत पानी, क्योंकि मैंने इसको पहले भी ट्राई कर रखा है, मतलब टेस्ट करने की कोशिश करी। और दोस्तों, ये जो उसके जो विंग्स वगैरह जो कह सकते हैं आप, वो है दोस्तों, ये ऊपर नीचे होते हैं जिसकी वजह से एयर का प्रेशर बनता है और एयर बाहर आती है। दोस्तों, इसमें आप देख सकते हो, ये होल्स है जिनमें इसके थ्रू एयर इसके अंदर एंटर होती है। और दोस्तों, ये अंदर आती रहती लेकिन वापस बाहर नहीं जा पाती। और दोस्तों, ऐसा कुछ इसका देख सकते हो आप, जो कवर है ये हटा रहा हूँ मैं इसको। और दोस्तों, अंदर से ये पार्ट है, ये पूरा मूवेबल है, इस तरह से ही मूव करता है। और दोस्तों, मतलब पूरा बढ़िया कंडीशन, कहीं पर कोई डिफेक्ट नहीं है। दोस्तों, मैंने इसलिए आपको खोल के दिखा दिया ताकि आपको लगे नहीं बाद में कि ये खराब वगैरह है, काम नहीं करती। दोस्तों, ये अंदर की मोटर में शाफ्ट तो जुड़ी हुई है जो घूमती है। और दोस्तों, यहाँ पे एक ये होल कर रखा है, या कर देना आप, क्योंकि दोस्तों इससे मतलब जो पानी अंदर जाएगा इसके अंदर। और दोस्तों, या एक जुगाड़ जो हमें इसके अंदर करना, और दोस्तों बिना छेड़छाड़ कर इसको हमें वापस कस देना है। तो दोस्तों, मैं फिर से वीडियो कर देता हूँ फास्ट ताकि आपका फिर से टाइम बचे। और दोस्तों, मैंने आपका इतना टाइम बचाया, दोस्तों आप भी थोड़ा बहुत यार वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो यार, थोड़ा अच्छा सा लग जाता है अपन को। दोस्तों, चलिए इसको जल्दी जल्दी कस देते हैं। और दोस्तों, शक्तिमान वाली पावर आ गई है मेरे अंदर और मैं इसको पूरी जल्दी जल्दी कस रहा हूँ दोस्तों। और इसके बाद अब हमें एक ये जो पेन का जो सिक्का होता है या रिफिल बोलते हैं, उसको काट लेना और इसके अंदर लगा देना। और दोस्तों, अब भी वीडियो 2x पे ही चल रही है क्योंकि मैं अब भी आपका टाइम बचाना चाहता हूँ। और दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, ये एयर बबल्स निकाल रहे हैं, लेकिन जब हम इसके अंदर डुबाते हैं इसको, तो लेकिन ये पानी नहीं निकाल पाते। तो दोस्तों, पता नहीं क्या रीज़न है लेकिन ये काम नहीं कर रही। अब मेरे को नहीं पता, मैंने दोस्तों इसको पूरा मतलब 8 वोल्ट के करीब का इसकी वोल्टेज दी थी, जबकि 6 वोल्ट डीसी मोटर है, लेकिन फिर भी ये पानी नहीं निकाल पा रही। और जैसा कि आप देख सकते हो, या निकालती भी तो जो हवा के साथ जो थोड़े बहुत एक दो पार्टिकल आते हैं दोस्तों, वही रहे। तो मैं पूरा इसको डिप कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको भरोसा हो जाए। और दोस्तों, फेक वीडियो तो मैं अपने चैनल पर बनाता नहीं, क्योंकि दोस्तों मेरे को वो टॉपिक लंबा टिकना है। और दोस्तों, आप देख सकते हो पूरे, आप खुद अपने एक बार एक्सपेरिमेंट करना दोस्तों, ये बिल्कुल काम, मतलब हवा तो निकालेगा लेकिन जो ये पानी नहीं निकाल पाएगा। और दोस्तों, आप